22 जनवरी यानी कि आज अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में तमाम तरह की तैयारियां चल रही है और देवभूमि भी राम में हो चुकी है। हर जगह भजन कीर्तन सुंदरकांड समेत पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया है। इस बीच श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शासकीय आवास स्थित देवालय में पूजा अर्चना कर श्री रामचरित मानस का पाठ किया गया। इस पवित्र अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गौ सेवा भी की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 500 वर्षों के लंबे संघर्ष और अनेक राम भक्तों के बलिदान के बाद इस भव्य और दिव्य महोत्सव का साक्षी बनकर अत्यंत प्रफुल्लित और हर्षित महसूस कर रहा हूँ। राम जन जन के हैं, राम हर कण में है। इस पावन अवसर पर चहुदिशी आनंद उत्साह और उल्लास है। संपूर्ण जगत में एक अलग ही तरंग उमंग है। भगवान प्रभु श्री राम जी से प्रदेशवासियों के मंगल और पूरे विश्व में हो रहे सभी सनातनियों के इस कल्याण की कामना करता हूं। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। समाचारों के प्रायोजक हैं एमके इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र। अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होगी प्राण प्रतिष्ठा। पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा समारोह की विधि विधानों को करेंगे पूरा। रॉन डिसेंट